Hi guys, how are you? Today we will talk about how to sell the art on Flipkart, Amazon और Worldwide. दोस्तों आजकल आर्ट की बहुत ज़्यादा प्रमोशन चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बेचने लिए, पर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. वेयर दे कैन सेल, हाउ दे कैन बिकम अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हु कैन सेल द पेंटिंग्स एंड देयर आर्ट वर्क Worldwide. गाइस, आर्टवर्क को सेल करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक GST नंबर चाहिए जो आप अपने लोकल सेवा केंद्र या कोई भी ऑफिस में जाके जो जहाँ पे GST रजिस्टर होता है वहाँ से नंबर ले सकते हैं. रजिस्टर करवाने के बाद उसकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज होती है और आपको वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद GST नंबर मिल जाता है. जैसे ही आप GST नंबर को लेते हो, लेने के बाद आप फ्लिपकार्ट जाके वहाँ लॉग इन कर सकते हो. जैसे ही आपको GST नंबर मिलता है आप उसको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी एंटर कर सकते हो और आपका जो अकाउंट है सेलर अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे ही एक्टिवेट होते आप बन जाते हैं एक प्रोफेशनल Worldwide आर्टवर्क को सेल करने वाले रजिस्टर्ड सेलर. फ्लिपकार्ट पे आपको रजिस्टर करते ही वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगी आपका. जैसे कोड काफ़ी अहम जो होता है भूमिका निभाता है. आपको जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपका जो GST नंबर और HSN कोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आर्टवर्क सेल कर सकते हो. तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट HSN नंबर मिलेंगे जो GST में होता है. उसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको HSN का आपका क्या रोल होता है. जैसे ही आप लॉग इन करते हो और रजिस्टर करते हो तो उसके बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी. वहाँ पे आप किसी भी टाइप का आर्टवर्क सेल कर सकते हो जो कि आपका Worldwide सेल होगा. और वहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अमाउंट को सही तरीके से प्लॉट करते हो, उसको स्पेसिफिक प्राइस पे कंफर्टेबल रखते हो लोगों को, तो आपका आर्टवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा बल्क रेट में सेल होगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है तो गाइस कि अगर आप आर्टवर्क को सेल करते हो तो वैसे तो कोई आर्टवर्क ना हो जिसके आपके पास एक ही कॉपी है, क्योंकि वहाँ पे एक ही कॉपी खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं. पर अगर आपके पास बल्क है तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आपका आर्टवर्क जो है क्वांटिटी में जाता जाए. जैसे आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे अगर आपका एक स्टैट्यू जो है सेल हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है, लाखों में होता है, 50,000, 200,000 ऐसी क्वांटिटी में जाता है. तो अगर आप आर्टवर्क कुछ बना रहे हो तो ट्राई कीजिए कि कुछ ऐसा आर्टवर्क हो जिसकी आप बहुत सारी कॉपीज बना के सेल कर सको. जैसे कि आप कोई आर्टवर्क जैसा हो सकता है जिसके उसको फ्रेम करके उसकी प्रिंट आउट्स निकाल के उसको आप यूज़ कर सकते हो. अगर मैं बात करूं अमेजोन की तो आपको अमेजोन पे आर्टवर्क सेल कर सकते हो, बट वहाँ पे कुछ कैटेगरीज के लिए आपको ASIN जो प्रोडक्ट आईडी होती है ASIN नंबर की रिक्वायर्ड होती है. तो आपको वहाँ पे एक बार रजिस्टर करने के बाद चेक करना पड़ेगा क्योंकि जो आप सेल करने जाते हो वो प्रोडक्ट आईडी में आता है या विदाउट प्रोडक्ट आईडी सेल हो सकता है. पर फ्लिपकार्ट पे ऐसा सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आप अपना आर्टवर्क को डायरेक्टली सेल कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट आईडी नीड नहीं होगी. हाँ, कोई कंपल्सरी होता है कि जो आप प्रोडक्ट आईडी के बिना नहीं सेल हो सकता, कुछ ब्रांड है कुछ है जो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए होती है. प्रोडक्ट आईडी का प्रोसेस थोड़ा लंबा जोड़ा है, उसके लिए आपको थोड़े बहुत और पैसे खर्चने पड़ते हैं जो आपको प्रोडक्ट आईडी बनाकर उसके बाद आपकी सेलिंग शुरू हो जाती है. गाइज, अगर हम बात करें तो कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं. Myntra हो गया और Flipkart, Amazon, Meesho आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और 0% फी कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो आप Meesho पे सेल कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो उसकी कॉपीज बनाने का कोशिश करें. एक आप पेंटिंग बना रहे हैं तो हो सके उसके बहुत सारे प्रिंट्स बना के आप सेल कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसका आपका पहुँच जो है Worldwide रहेगा और उसको आप कहीं भी सेल कर सकते हैं. Worldwide सेल करने के लिए, इंटरनेशनल सेल करने के लिए, आउट फ्रॉम द इंडिया के लिए आपको स्पेशली इंटरनेशनल रजिस्टर करना पड़ेगा. उसका प्रोसेस अलग से होगा, वो आप चेक कर सकते हैं. एंड एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद आप अपना जो
पिकअप मैन है लॉजिस्टिक, वो जरूर कंफर्म करिए। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने रजिस्टर कर दिया तो बाद में उसका जो पिकअप मैन था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, देन इस कंडीशन में उन लोगों को काफ़ी मुश्किल आई थी और उनको अपना लॉजिस्टिक पार्टनर रिक्वेस्ट करके फ्लिपकार्ट से चेंज करवाया था। और ऐसा सा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है कि आपका प्रोडक्ट कोई उठाने नहीं आता, लेने नहीं आता, तो आप अपना लॉजिस्टिक पार्टनर रिक्वेस्ट करके सिर्फ फ्लिपकार्ट से चेंज करवा सकते हो। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना पिन कोड दे सकते हैं और उसके जरिए वो आपको चेक कर देंगे दैट लॉजिस्टिक पार्टनर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं।